ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 27 नवंबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:28 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और इस महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। 3 दिन की छुट्टी आ रही है, इसके बाद लॉन्ग वीकेंड है। तो यहाँ से पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करना काफ़ी रिस्की साबित होता है, तो इन्वेस्टर्स वेट करते हैं। और जो कल हमने देखा 100 पॉइंट्स का एक बाउंस बैक, 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी वेनसडे को, उसके बाद एक 100 पॉइंट्स का बाउंस बैक। लेकिन प्राइस एक्शन में क्या हायर आए, हायर लोस बने हैं, क्या ये बाउंस बैक फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा या फिर यहाँ से करेक्शन और गहराता हुआ नजर आएगा, क्या एनालिसिस होगा चार्ट का, ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 26 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,960 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,824। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ये दोनों लेवल्स के बीच में ओपन हुआ, और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया। इस सेकेंड टारगेट अटेम्प्ट में इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करते ही एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास यहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया। और जैसे ही फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल को फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 12,979, सेकेंड टारगेट 12,999, ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए कल भी, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालत देख लेते। कल US मार्केट फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए, और यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहाँ पर सीधे तौर पर कमजोरी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी फ्लैट नोट के साथ कारोबार करते हुए इस समय दिखाई दे रहा है, हालांकि बाकी ऑलमोस्ट सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 100 पॉइंट्स की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, जैसे कि हमने यहाँ पर इन लेवल्स को ड्रॉ किया है फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज़ करके। तो 13,072 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। RSI वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन की तरफ है, 70 के लेवल के पास है। तो ऊपर प्राइस एक्शन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, बेयर्स हावी हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई जैसे ही लगाता है तो बेयर्स की एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल इस समय अगर देखें तो नीचे 12,600 फिर से एक बार सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ऊपर जाने के लिए इसे 13,072 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें जर्नी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट को अगर देखें तो डेली चार्ट में एक जैसे लॉन्ग ये बेयरिश कैंडल बना है, इसको अभी ब्रेक नहीं किया है इसने, और ये कल का कैंडल देखे तो ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी लोअर हाइस क्रिएट किया और लोअर लो भी क्रिएट किया। ये होता है डाउन ट्रेंड का पैटर्न, लोअर हाई लोअर लो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हायर हाई हायर हाइज बनते जा रहे कंटिन्यूज लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन, और उसके बाद अभी एक बार लोअर हाई बना है। तो यहाँ पर जब तक ये इस बेरिश कैंडल का हाई कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता, तब तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो फिलहाल अगर यहाँ से करेक्शन बढ़ता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेवल्स होंगे, इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करेंगे।
तो 12,765 के आसपास सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 दिन पहले भी सपोर्ट टेस्ट करेंगे कि बाउंस बैक दिखाए। तो अगर 12,765 के नीचे चला जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 12,600 का, जो कि ये पिंक लाइन है 20 EMA का, ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये है फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो लेवल है कल का हाई, कल के हाई के ऊपर अगर प्राइस एक्शन में देखें तो दो स्मॉल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, जहां पर प्राइस एक्शन ने दो बार हर्डल फेस किया और फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करने लगा। तो 13,033 ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,052 और सेकेंड टारगेट होगा 13,072, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और कल जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था उसी के आसपास हमारा आज ब्रेकडाउन लेवल होगा। आप देख सकते हैं पास्ट में यहाँ पर दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो हो सकता है अभी ये सपोर्ट का काम करे। तो 12,954 के नीचे अगर चला जाता है, सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,937, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 12,913, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।